क्या है बताइए जरा थोड़ा अशरफ। सर सिम्बन और सिंटू, सिम्बन सिंटू का डिरेक्शन है जी सर। और क्या और काई की क्लास थी हमारी? और हमारी थी माइक एसडी कार्ड सिम कार्ड और माइक की क्लास थी। माइक की क्लास का अभी हम क्या कर रहे हैं सर? लाइट रेसिंग कर रहे हैं। लाइट रेसिंग कर रहे हैं ना। डे कौन सा है आपका? संडे है। संडे सर। क्लास की छुट्टी है क्या? नहीं सर। है ना, आज संडे के दिन भी हमारी क्लास की छुट्टी नहीं है। तो संडे मंडे होता है क्या यहाँ? ऑल डे स्टडी है ना। यस सर। सबसे पहली क्लास आपकी काई की थी? कंपोनेंट। सेकंड डे क्लास काई की थी आपको? कंपोनेंट। थर्ड डे क्लास काई की थी? बैटरी के बाद कौन सी क्लास? उसके बाद क्या थी? है ना, आपका आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास थी आपकी। yes, क्लास की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्लास की बात नहीं कर रहे। yes, उसके बाद क्या कौन सी क्लास थी आपकी? स्पीकर है ना, रिसीवर की और आईसी आइडेंटिफिकेशन है ना। और उसके बाद फिर कौन सी क्लास थी आपकी? ग्राफिक्स के बाद कौन सी थी? लाइट की। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? उसके बाद आज किसके साथ क्लास थी? दुर्गेश सर के साथ। काय की क्लास थी आपकी? वो भी हमने पढ़ा, उसका पूरा रिविजन हुआ यहाँ पर। किसको समझ में नहीं आया बात बताओ मेरे को, किसको समझ में नहीं आया इसमें से? सबको समझ में आया। हाथ खड़े कर दो। सबको समझ में आया हर अभी तक का? यस सर। टीचर डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों ये जो आप क्लास देख रहे हैं, ये हमारे 11वें दिन की क्लास है, जिसमें ये जो हमारा सेक्शन है थ्योरी सेक्शन चल रहा है, जिसमें स्टूडेंट सिम माइक हेडफोन इसकी सप्लाई बहुत डिटेलिंग में जानते हैं और लेटेस्ट सेक्शंस के जानते हैं। और जो सामने आप स्टूडेंट बैठा देख रहे हैं, वो एक एक स्टूडेंट को वहाँ बुलाते हैं और उनसे प्रैक्टिकल करवाते हैं, ट्रेसिंग करवाते हैं। तो ये पहला थ्योरी सेक्शंस होता है जिसमें हम स्टूडेंट को बताते हैं कि कौन सी ऑन मोबाइल पे कहाँ पर वोल्टेज, कहाँ पर इनपुट, कहाँ पर EN सिग्नल या कहाँ पर CPU की सप्लाई आती है और सिग्नल्स आते हैं, कहाँ पर DSO से हम फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हैं एक्टिव होने के बाद में, कब लाइन कौन सी एक्टिव होती है। तो सारी चीज़ें और हर एक सप्लाई के बारे में नोट करवाते हैं और यही सारी चीज़ें जो ये दिन में दोपहर में सीखते हैं और उसी पर शाम की प्रैक्टिकल की क्लास में अपने अपने हैंडसेट में ये उस सप्लाई को अमल करते हैं, उस पर प्रैक्टिकल करते हैं और जो डाउट होते हैं वो टीचरों से पूछते हैं। और अगर कोई आईसी का मसला जाता है तो उस आईसी को निकालते हैं, उसको चेंज करते हैं, क्योंकि इनकी आईसी CPU MMC और पावर का जो बॉलिंग और लगाना निकालना वो शुरू के 4 दिन में ही हमने कर दिया है। अगर आपने देखना है तो हमारे पुराने वीडियो देखिए, इसलिए कहता हूँ एक बार सब्सक्राइब कीजिए तो आप देखेंगे हमारे पुराने Day 1 से हमने वीडियो डाले हैं, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5। तो यहाँ पर हमारी जो क्लास चल रही है वो अभी माइक सिम हेडफोन और इसकी क्लास चली है। इससे पहले हमने प्लास्टिक कनेक्टर, माइक्रो जंपरिंग, एक एक स्टूडेंट ने यहाँ बैठ कर माइक्रो जंपरिंग अटेंड की है और एक बार नहीं की देख लिया कर लिया, बहुत सारे माइक्रो जंपर हमने इनसे लगाए हैं, बहुत डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट माइक्रो जंपर हमने इनसे लगाए हैं। और दोस्तों ये क्लास देखने के लिए आपको YouTube के अलावा Facebook में आप लाइव भी देख सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर सारी चीज़ें डायग्राम के साथ में बताई जाती हैं, स्पेशली डायग्राम ओपन करके लेआउट के साथ में। और यहाँ पे अभी फिंगरप्रिंट कनेक्टर मतलब सेंसर यहाँ पर उसकी क्लास चल रही है कि अगर आपका फिंगरप्रिंट काम ना करे तो ये कैसे आप इस पर वर्क करेंगे, अगर किसी कस्टमर ने फिंगरप्रिंट लेकर आए तो उसको कैसे वर्क करेंगे। और आप देखें कि अभी प्रैक्टिकल क्लास है जो शाम की क्लास होती है, जिसमें स्टूडेंट अटेंड करता है और अपने थ्योरी के बने हुए बेस पर ही वो अपने ट्रेसिंग करता है, क्योंकि ट्रेसिंग ही सीखना है, मेन फॉल्ट फाइंडिंग है। आईसी निकालना लगाना तो इनके लिए बहुत आसान हो जाता है। और दोस्तों इसके अलावा भी अगर मैं आपसे बात करूँ, फिर उसके बाद अब अपने फॉल्टी साइटों को यहाँ पर बनाता है। तो बिल्कुल हम किसी भी सेक्शन में किसी भी एक भी मोबाइल को छोड़ते नहीं हैं, सारे मोबाइल को कवर करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा ये माइक का सेक्शन हुआ है और किसी स्टूडेंट का ऐसा फ़ोन रह गया जिसका माइक बंदा रह गया है, हम उसी दिन उसके सारे फ़ोनों को कवर करते हैं। तो हमारे सारे सेक्शंस स्टेप टू स्टेप बाय होते हैं। अगर आप हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो बिंदास आइए, कॉल कीजिए, अभी टूर बैच के हमारे एडमिशन्स चालू हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वादे के मुताबिक फिर हमारी शाम की क्लास है और शाम की क्लास में आज का क्या है बताइए जरा थोड़ा अशरफ। सर सिम्बन और सिंटू, सिम्बन सिंटू का डिरेक्शन है जी सर। और काय की क्लास थी हमारी? और हमारी थी माइक की SD कार्ड सिम कार्ड और माइक की।
माइक की क्लास थी, माइक की क्लास का अभी हम क्या कर रहे हैं सर? लाइट ट्रेसिंग कर रहे हैं। लाइट ट्रेसिंग कर रहे हैं ना। राजू किस चीज़ की क्लास है हमारी? माइक और हेडफोन की। माइक और हेडफोन की आप वही कर रहे हो ना? जी। आप क्या कर रहे हैं थोड़ा बताएंगे सर? जो का सर है माइक टिप्स। आप क्या कर रहे हैं सर? सिम ट्रेसिंग कर रहे हैं। सिम ट्रेसिंग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं सर? माइक लगा रहे हैं। माइक लगा रहे हो? जी सर। अभिषेक आप क्या कर रहे हो सर? ड्रेसिंग कर रहे हैं माइक। आपका डायग्राम रेडी है? अभी काय का बनाया आपने? अभी सर बनाया नहीं, बनाया जा रहा है। ठीक है। बादल जी सर किस चीज़ की ड्रेसिंग कर रहे हो आप? हेडफोन की। हेडफोन की ड्रेसिंग कर रहे हो? ठीक है। रुपेन खाएगे किस चीज़ की ड्रेसिंग है तुम्हारी? माइक का ड्रेसिंग कर रहा है। माइक की ड्रेसिंग है। आप क्या ड्रेस कर रहे हो सर? मैं हेडफोन। हेडफोन जी। माइक हो चुका है आपका? जी हो गया। आप काय की ड्रेसिंग कर रहे हो? माइक। आप काय की ड्रेसिंग कर रहे हो? माइक। माइक की ड्रेसिंग कर रहे हो। बापी आप काई की ड्रेसिंग कर रहे हो? माइक की सर। माइक की ड्रेसिंग कर रहे हो? जी सर। जियो माइक करते बन रहा है? यस सर। जो वहाँ पे पढ़ा वहीं उसका ही प्रैक्टिकल कर रहे हो ना? यस सर। है ना। नाम बताइए अपना। गजानन। गजानन काई की ड्रेसिंग कर रहे हो आप? सर ये हमारे का बोर्ड है 4X। 4X सिम के, सिम के सिम की ड्रेसिंग कर रहे हो आप? ओके। सलमान किस चीज़ की ड्रेसिंग कर रहे हो? माइक की हो गई सर, सिम की कर रहे हैं सर। माइक की हो गई, सिम की कर रहे हो जी। गुलरेश किस चीज़ की ड्रेसिंग कर रहे हो आप? सर ये जियो का मोबाइल है 320, तो उसको जो डिजिटल माइक होता है उसमें अपन यूनिवर्सल माइक। अच्छा, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हो आप? ठीक है। क्या कर रहे हो आप? माइक ट्रेनिंग सर। माइक ट्रेसिंग हो रही है। आप क्या कर रहे हो सर? जियो की सिम वो माइक की तो होगी ट्रेसिंग, हेडफोन की सिम ट्रेसिंग कर रहा हूँ। लाइव सेट पे कर रहे हो आप? जी सर। क्या कर रहे हो आप? जी सर माइक का बना रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, और ये सर हेडफोन जेक का बना है। और सर एक वहाँ भी लगाए हैं, नॉर्मल माइक लगा सकते हैं जियो का, मतलब डिजिटल की जगह हम एनालॉग भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो जो कुछ क्लास में पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल हो रहा है ना? जी सर बिल्कुल हो रहा है, और सर बना भी रहे हैं डायग्राम। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? देखिए सर माइक का ये डायग्राम है, और उसके बाद ये हेडफोन का है जो 220 का, और अब सिम का निकालने वाले हैं थोड़े। नरेन आपने क्या क्या किया अभी? सर मैंने 5 सेकेंडरी माइक का वेट चेक किया पूरा। ठीक है। डिजिटल माइक जो अपने जियो फोन में नया में लग रहा है जो, उसकी जो ज़्यादा लाइनें आती हैं उनको ट्रेस किया है। ठीक है। और अभी हैंड फ्री बना रहा हूँ सर, हैंड फ्री ट्रेस कर रहा हूँ पूरा। तो नरेन जो पढ़ा रहे हैं उसको यहाँ पे फाइंड आउट कर पा रहे हो आप? बिल्कुल फाइंड आउट कर रहे हैं सर। मिल रहा है? अच्छे से मिल रहा है सर, सब अच्छे से सिखाया जा रहा है। क्या कर रहे हो सर? मेरी माई जो सीखे का सब माइक ही चेक करें। अच्छा, सीख रहा सीख। अच्छा, बन रही है ड्रेसिंग आपसे? हाँ सर। कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर बन गया। फिर क्या कर रहे हैं हम? जियो जियो फोन का माइक सिस्टम चेक कर रहा हूँ। अच्छा, जियो फोन का माइक ट्रेस कर रहे हो? यस सर। उसके बाद क्या करोगे? ये पूरा पैड डिटेल निकालेंगे। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद वापस माइक लगाएंगे। अच्छा, माइक लगाने के बाद में क्या करोगे? आप तीन चीज़ की क्लास थी आपकी, वैसे एसडी कार्ड की क्लास थी आपकी, सिम की क्लास थी आपकी, और माइक की क्लास थी आपकी। यस सर। जो कुछ सर ने बताया वो पीसीबी पे मिल रहा है आपको? हाँ सर बिल्कुल मिल रहा है। यस सर। जो जीआर बताया, जो वोल्टेज बताया, मिल रहा है आपको? यस सर मिल रहा है। ओके दोस्तों, यूं ही बने रहिए लाइव हमारे साथ, और हम कल मॉर्निंग में फिर आएंगे आपके साथ लाइव, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। वादे के मुताबिक हम डेली आते हैं, हमारे जो जो क्लास होती है उसके मुताबिक हम आते हैं।
डेवलप कर सीपीयू कैसे रिवॉल्व करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने की। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर के मैंने ओपनिंग क्लीनिंग और रिवॉल्विंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सीपीयू डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you, that's first thing.